गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल। क्या है महाराज, उनको पकड़ लाए अम्मा जी। मार डालूंगी तुझे, मार डालूंगी तुझे, समझती क्या है? अच्छा गलती हो गई, गलती हो गई तुझे, जब चौका में घुसी तो समझ में नहीं आया। अम्मा ये क्या कर रही हैं? सत्यानाश करके रखी। अरे क्या कर रही हैं? मार डालूंगी इसे मैं। चलिए छोड़िए, क्या कर रही हैं? धोखा क्या जानी है हमारे साथ, चौधरी चौधरी करके हमारे चौके में घुस आई। तो क्या हो गया? आज पता चला ये तो जमना मार की है। कोई बात नहीं, आप ब्रश करके रख दिया हमारा। आप रहने दीजिए, दो ही महीने हम इसके हाथ का खाना खाए, मन तो कर रहा है कि इसका। अरे अम्मा रहने दीजिए, क्या क्या, अरे देख क्या रहे हो, लेके जाओ उनको। हराम की जानी को, हराम की जानी को। रणबीर देख क्या रहे हो, लेके जाओ उनको। चलिए 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 बाबू। और आप बैठी बैठी वहाँ क्या कर रही हैं? बच्चों को अंदर नहीं भेज सकती थी? ये सब दिखाना जरूरी है बच्चों को? जैसे हमारी तो बड़ी सुनते हैं ना ये। अरे घर वालों को आग दिखा रहा है हा? और जिसके हाथ पैर तोड़ने चाहिए थे उसे तो भगा दिया तूने। आप शांत हो जाइए, जमाना कहाँ का कहाँ पहुँच गया और आपका वही रोज सुबह का कलेश। जाइए अंदर जाइए। गया तो था तुझे मानी के साथ चलने, दिल्ली में बड़ा बिजनेस खोलने, क्या हुआ? पैसा भी गया और हाथ लगा कुछ नहीं, वापस अपनी बिरादरी में ही ठौर मिला। अभी घर पर ओमवीर होता ना तो सुराख कर देता उस सुअरिया की खोपड़िया में। काजल जी पानी गर्म कर, फिर से स्नान करना पड़ेगा। जानवी चलिए, आपके स्कूल का टाइम हो गया। अरे कोई हमको इंजेक्शन लगा दो तो दो दाना हम भी खा लें, चक्कर आ रहा है सवेरे से, फिर लग रहा है मैं बीपी लो हो गई है। ये जो रोज रात को आप क्वार्टर मारती हैं ना, बंद कर दीजिए, ये शुगर वगैरह सब कंट्रोल में हो जाएगी आपकी। चलिए चाचू। भाभी ने थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि हमने वो किया है जो आप नहीं कर पाए अपनी माँ के साथ। मतलब? जाने दीजिए। नहीं नहीं बताइए, ऐसा क्या कर दिया आपने जो हम नहीं कर पाए? आईना दिखा दिया हमने उन्हें, हमारे घर के लोगों को बहुत जरूरत है आईना देखने की। जाने कौन से डिल्यूजन में जी रहे हैं सबके सब। कई दिनों से देख रहे हैं, ये जो आपका एटीट्यूड है ये सही नहीं है। अब आप बड़ी हो गई हैं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, हम नहीं चाहते कि हमें आपके पापा से बात करनी पड़े। देखिए कितनी लंबी उम्र है आपके पापा की। जी भाई जी। राजवीर कहाँ? कार्यालय पहुंचो जल्दी। जी बस जानवी को स्कूल छोड़ के आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। चल बंद कर। ये कौन है? ये उसी बगदाद की भूगोली बहन है, इसी के घर रह रहा था वो अब्दुल। पाशा जी हम पर रहम कीजिए, पाशा जी हम पर रहम कीजिए, हम कुछ नहीं किए पाशा जी, हम बहुत गरीब लोग हैं, हम कुछ नहीं किए। शाहरुख खान बन के घूमते हैं इनके लौंडे, किसी को भी पकड़ो ना तो साला गरीबी का रोनर होते हैं। ए नौटंकी, ओवर एक्टिंग कर रही है तू, दिख रहा है? एक मिनट। नाम क्या तुम्हारा? शशि, नगर निगम में हम सफाई कर्मचारी हैं। तू शशि? हाँ। और वो अब्दुल? वो अलीगढ़ में मेरे मोहल्ले का है, बाकी अम्मा ने बड़े भरोसे के साथ मेरे घर भेज दिया था। पड़ोसी तो बालक है पाशा जी, इकलौता तो है घर को, पड़ोसी तो है वो, कुछ ना। अब क्या कर रहे हैं, चलता है सिंह साहब इनका पूरा। ये देखिए व्हाट्सएप के सभी ग्रुपों में ये मैसेज फैल रहा है, बड़े जात की लड़कियों फंसाया तो 5 लाख रुपए, और जात की लड़कियों फंसाया 2.5-2.5 लाख रुपए। ये देखिए, ये देखिए आप। वो होगो बाबू जी, बच्चे हमारे केस में ऐसे नहीं है, वो लड़की अपना मर्जी से वो लड़के के साथ गई है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप एक बार वो लड़के से पूछ लीजिए, बस एक बार, अगर वो लड़की कह दे कि हमारा भाई गलत है तो आप जो सजा देंगे आपका। ए शांत रहे, ए शांत रहे तू। अरे भाई जी नौटंकी कर रही है, चुप।
करियो। शांत, हम बात करेंगे उससे। कुछ खाया? हाँ? नहीं। इसे फार्म हाउस ले जाओ। हाँ? जी। कुछ खिलाओ। जी ठीक है। तसल्ली दो। जी। चलिए। चलिए। बस जी को लड़के से बात कर लीजिएगा। अरे भाई की कोई गलती नहीं है। बात नहीं, कुछ नहीं होगा। कहाँ है वो लड़का अब्दुल? यहीं है मथुरा में। हमारे आदमी लगे हैं पीछे। पकड़ लेंगे। अंदर आने भूतनी का। सुनिए, इंटर है, थोड़ा जम के पढ़ाई कीजिए। अच्छे नंबर लाएंगी तो हम भी आपके कॉलेज के लिए मुंह खोल सकेंगे, वरना आपको तो पता ही है। जी चलिए। ओके। देवन भद्वाज। प्रेजेंट मैम। जानवी सिंह। एब्सेंट मैम। लावण्य श्रीवास्तव। प्रेजेंट मैम। मीना जायसवाल। एब्सेंट मैम। एनी लीव एप्लीकेशन? नो मैम। फट रही है तुम्हारी? क्यों? स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, एक बार मैदान पे उतर गया ना, फिर ज़्यादा सोचता नहीं। इसलिए तो I love you। ये पहन लो जल्दी से। ये कहाँ से लाया तू? कोच साहब की वाइफ का है, इन कपड़ों में तो कोई भी पहचान लेगा। अच्छा तू जल्दी पहनो। ये ले। पैसे हैं मेरे पास। हाँ, इसलिए तो तू भागता हुआ है जमुना पार से स्कूल तक। हाँ, 10 रुपए का शेयरिंग ऑटो मिलता है, ले रख। और टी शर्ट भी चेंज कर ले, ऐसे निकलेंगे तो अंधा भी बोल देगा भगौड़े। रख जल्दी से डफर, जल्दी कर। जल्दी करो। हाँ हाँ, चलो चलो। राधे राधे। अरे दिल्ली से फोन आया था, बोल रहे तो ओमवीर भाई लखनऊ वाले मीडिया मैनेज नहीं कर पाए, इस वजह से इतना बवाल हो गया। कह रहे थे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड हो जाइए, बाकी प्रशासन आपकी सेवा में लगा रहेगा पहले जैसा। हमने कहा ऐसा करो, ये सस्पेंड वस्पेंड छोड़ो, हमें सीधा करो पार्टी से निष्कासन, और हमारी जगह टिकट दे दो हमारे छोटे भाई राजवीर को। वो वही बोलेगा जो मीडिया को अच्छा लगेगा और आपको भी। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन राजवीर को टिकट तो दिलवा दोगे लेकिन वोट ना ले पाओगे का? जी भाई जी, सही कह रहे हैं। देखो आप हो शेर और बनिया बुद्धि है वो, सही बोल रहे हैं। उसका हरकत देखेंगे नहीं यार, सही बोल रहे हैं, एकदम सही। लो आ जाओ।
आप कह तो सही रहे हैं, भाई जी की जगह हम तो क्या, पूरी बिरादरी में कोई नहीं ले सकता है। हेलो हेलो भैया, कहाँ पहुंचे आप? हम टेंट चौराहे पर हैं। ओके, थोड़ा जल्दी कीजिए, आ रहा है वो। टाटा जिस 6644। ठीक है, कहाँ चलती है ना? हाँ बोल। ठीक है, भट्टी पे पहुंचो। लौंडा पकड़ा गया, लड़की भी साथ में है, भेष बदल के भागने की तैयारी कर रहे थे। चलो चलो चलो, चलो। समझाइए, चुप रहिए। अरे वीडियो कहाँ को? चलो शुरू करो। अपनी बच्ची है, आप मुझे पहचानते ना? सोमपाल सिंह, अपनी बिरादरी की बच्ची है। ओ मीर भाई, धन मिलेगा, मैं सजा दूंगा। ए, इसके हाथ पैर काट के घर में कैद कर दूंगा। इतनी आजादी दी, इसका गलत फायदा उठा, अब नहीं करेंगे, अब इसको आजाद नहीं करेंगे। इसके मैं हाथ पैर काट के घर में कैद कर दूंगा। अध्यक्ष जी, अपनी बच्ची समझ के छोड़ दीजिए, अपनी बच्ची समझ के छोड़ दीजिए। चल 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 चल, इन्हें लेके जाइए, इसे मैं भेज दूंगा। जाइए, आप भेज देंगे ना? मैं जाता हूँ। चलो ये भेज देंगे, चलो चल, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी, कुछ नहीं होगा हमारी बेटी। चलो चलो चल जाते, चलो चलो। चेताना सिर्फ गैरों को ही नहीं है, अपनों को भी है ना सिंह साहब? रिलैक्स हो। फोन मेरे पास पेन है। Thank you.
कुछ नहीं। डर क्यों रहे हो इतना? डर का रहा हूँ, ये फाटक खुल ही नहीं रहे। आज से हम फ्री हो गए। जानवी क्या हुआ? जानवी कोई दिक्कत नहीं है देवी? कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। भैया रखवा दी फ्रिज में? जी हाँ रखवा दी है। पीती है? हाँ पी ले, बहुत गर्म है आज। हमका जाने दीजिए पार्सल जी, हम यहाँ कहाँ जा रहे हैं? ज्यादा कच्ची कली बनने की जरूरत नहीं है, समझी? हम ब्याहता औरत हैं पार्षद जी, आप इतनी बड़ी जात, हम छोटी जात, काहे हमें पापन बना रहे हैं और खुद भी पाप चढ़ा रहे हैं। फालतू की बात करके मूड खराब करेगी ना, ये बोतल सर पे फोड़ देंगे। ले पकड़ पकड़। अब तो मेरा भैया आजाद कर दिया। तुम्हें ट्रेन से जाना क्यों नहीं पसंद है? ऐसे ही। तुम्हें याद है तुमने ये कब दिया था? हाँ अभी तो दिया था, आपके बर्थडे पे। चल तू। दो ग्लास जूस देना। हाँ हाँ लीजिए, ये लीजिए। थैंक यू। ये लो। इतना बड़ा नोट खुले दीजिए ना। छुट्टे नहीं है मेरे पास। आपकी फ्रेंड के पास होंगे या किसी दुकान से ले लीजिए। मैं 20 रुपए के लिए दुकान दुकान भीख मांगती फिरूं? आप कल दे दीजिएगा। और कल मेरा मूड नहीं किया आने का तो? नहीं भी देंगे तो क्या करूं? चलेगा, मेरा गिफ्ट समझ लेना। गिफ्ट? मैं क्या कोई स्पेशल हूँ जो तू मुझे गिफ्ट दे रहा है? आपकी फ्रेंड को भी तो दिया है। अच्छा, फ्रेंड्स तो मेरी और भी है। ए नंदिनी, युविका, रिया इधर आओ। आओ ना, ये जनाब मेरे फ्रेंड्स को जूस गिफ्ट कर रहे हैं, आओ पियो। बताओ क्या चाहिए? विद आइस, विदाउट आइस, मसाला? बीस के चक्कर में 200 का फटका खा गए भैया। इमीना तुम्हें कबाब नहीं बन रहे क्या आजकल? खाने में नहाने में डफर। तुझे बड़ा शौक चढ़ा नॉनवेज का आजकल। मुझे आजकल हर वो चीज अच्छी लग रही है जो मेरे घर पर बैन है। पागल हो गई है क्या? कोई देख लेगा। चल ना यार पी के आते हैं। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? जानवी ये देखना, ये बल्ली मुझ पर बहुत दिनों से लाइन मार रहा है। कौन?
मुझे साला कोई लाइन नहीं मारता यार। ओमवीर सिंह की बेटी पे लाइन मार के मरना है क्या उनको? नहीं रे, बड़े बड़े हरामी हैं दुनिया में, बच्ची से बूढ़ी तक को नहीं छोड़ते। ये ओमवीर सिंह की बेटी क्या चीज है? तू ना अपनी जुबान ठीक कर ले, कभी कभी मुझे लगता है तेरी दादी से बात कर रही हूँ। ए मीना मीना, उधर देख, वो लड़का जो जैवलिन फेंक रहा है वो अपने गणेश जूस वाला जैसा नहीं लग रहा? वही है, स्कूल में खेल रहा है जैवलिन थ्रो। ए उमेश, ये जूस वाला अपने स्कूल के अंदर कैसे आया? कोच साहब है अपने, पता नहीं किस किस को पकड़ लाते हैं। कितना टॉल है यार, बाहर इतना टॉल नहीं लगता। बाहर वो मशीन पे झुका रहता है ना इसलिए, पर कितना सॉलिड फेंक रहा है। ज्यादा इम्प्रेस मत हो, जमुना पार्क का है तो। भैया प्लीज शर्ट रहने दीजिए भैया, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा भैया। भैया धंधे का टाइम है प्लीज। कुछ नहीं मिलेगा, आज से दुकान बंद। प्रॉब्लम क्या है? गन्ना है, मशीन है, जूस दे। ये मशीन मेरी है, इसको दिया है किराए पे चलाने के लिए। भैया आज मंगल है, मैं बृहस्पति की शाम तक। बृहस्पति रविवार की गोली बहुत खाली बेटा। कितना पैसा बाकी है आपका इन पर? क्या कह रहे मैडम? 3000। मैडम चुप, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। चल आज इस महीने का हिसाब हो गया, अगले महीने के पहली तारीख को फिर आऊंगा, समझा? राधे राधे। आपने किस लिए पैसे दिए? क्यों, तू मुझे गिफ्ट दे सकता है, मैं तुझे नहीं। वो तो सिर्फ 2-4 गिलास जूस थे, और ये 3000 रुपए। और सच तो ये है कि मैंने सोचा था कि आप मुझे पैसे लौटा देंगे। चल तो तू भी देर सवेर ये 3000 चुका देना। कैसे? जूस पिला के। और कैसे टफर? 3000 मतलब 300 गिलास। कल से रोज आऊंगी ना तेरे स्टॉल पर। ठीक है मैडम। और ये मैडम मैडम बंद कर, मेरा नाम जानवी है, जानवी। सोनू, सोनू नाम। After the academics, now it's time for the sports honor. So let's hear it from Coach Sahab, MS Siddiqui sir. पिछली होली की बात है, मैं रेलवे कॉलोनी से गुजर रहा था, वहीं पास में टंकी के ऊपर कुछ शरारती बच्चे बैठे हुए थे और गुब्बारे फेंक रहे थे। तो इस लड़के ने 2-3 न सिर्फ वो गुब्बारे वहां तक पहुंचे बल्कि उन लड़कों को लगे भी। मैं ये देख के बहुत हैरान हो गया, इतनी पावरफुल थ्रो, कंधे का इतना परफेक्ट स्विंग, इम्पैकेबल एक्यूरेसी, इट वॉज अनबिलीवेबल। उस लड़के ने मुझ पर भरोसा रखा, मैंने उसकी ट्रेनिंग शुरू की, उसने कड़ी मेहनत की और इंटर स्कूल चैंपियनशिप जीती। नेशनल चैंपियनशिप से वो लड़का एक कदम दूर है और ओलंपिक मेडल से 2 कदम दूर। आज मेरी बात, मेरे शब्द आप किसी डायरी में लिख लीजिए कि हमारे मथुरा का वो लड़का देश और दुनिया का आने वाला स्पोर्ट्स स्टार है, जिसका नाम है सूरज माली। तालियों को डिजर्व मेरी माँ और कोच साहब करते हैं। मेरी माँ के संस्कारों की वजह से मैं एक अच्छा इंसान बन पाया, और पिताजी को तो मैं कभी देख नहीं पाया, लेकिन मेरी माँ ने कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। मेरी माँ मुझे एक चीज बार बार बोलती हैं कि अंधेरे से मत डरो, क्योंकि अंधेरे में ही तारे चमकते हैं। और जूस निकालते वक्त मेरे कंधे की जो एक्सरसाइज होती है, वही मुझे एक दिन ओलंपिक का मेडल जिताएगी। हाय, हेलो, कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वो राजू सेल्फी की जा रहा है। बहुत बोला था साला। थैंक यू। आज कौन बता रहे साले की? क्यों बे? ये जो तू यहाँ पे जूस का ठेला लगा रहा है, इसका कुछ लाइसेंस परमिट है तेरे पास? कोच साहब से पूछ के लगाइए, उन्होंने बात की मैनेजमेंट से।
कोच साहब की हवा में कुछ ज्यादा ही उड़ रही है। सुन बे, ज्यादा कोच के चक्कर में मत पड़, ना घर का रहेगा ना घाट का। और कल स्टेज पे क्या ज्ञान की गंगा भरा था, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल। तेरे को कल स्टेज पे बुलाया, स्टार ने जाने क्या क्या बोला, उसको ज्यादा दिल पर मत ले, वो तो कोच साहब के मुंह में बवासीर है, हर साल ऐसे ही फूट जाती है। पिछले साल एक इसी तरह लौंडा था अरविंद करके, उसको सचिन तेंदुलकर बना दिया। इंडिया तो क्या यूपी के अंडर 19 के 12th मैन तक नहीं गया, लट्ठे नाप रहा है कपड़ा मार्केट में। अपनी अपनी किस्मत है भाई, मुझसे कोई गलती हुई तो मैं माफी मांग लेता हूं। देख, गलती तो तुझसे हुई है, और गलती तुझसे ये हुई है कि तू अपनी औकात भूल गया साले जमुना पार कचरे की पैदाइश। बड़ा लड़कियों के साथ सेल्फी वेल्फी ले रहा है, लंबाई क्या हो गई, अपने आप को अमिताभ बच्चन समझने लग गया। करता क्या है तेरा बाप, झाड़ू लगाता है या कचरा बिनता है या तेरी तरह किसी गोलगप्पे का ठेला लगाता है। प्लीज बदतमीजी मत कीजिए। इसका बाप क्या करता है, तेरा बाप क्या करता है, इससे क्या फर्क पड़ता है भरत। मैं नहीं कह रहा था, आजकल कुछ ज्यादा ही छन रही है जूस वाले से। सुन जानवी, ज्यादा हाइट बॉडी के चक्कर में इंप्रेस मत हो, एक बार इसका बैकग्राउंड तो चेक कर ले। दिख रहा है इसका बैकग्राउंड, इसकी शराफत में, इसके अचीवमेंट्स में, और तुम लोगों का भी दिख रहा है तुम्हारी इन घटिया बातों में। और तू क्यों इनकी फालतू की बातें सुन रहा है, तेरे पास जबान नहीं है। सुन जानवी, अगर तू ओमवीर सिंह की बेटी है तो मैं भी शंकर उपाध्याय का भतीजा हूँ, तो अपने जो तेवर है ना मेरे सामने मत दिखाइयो। चल चल अब निकल यहाँ से, नहीं तो मार मार के जूते ना सारी रंगदारी निकाल दूंगी यहीं की है। ये जूते से मारेगी हमें, अभी बताता हूँ तेरे को तो मैं। सुबह से कुछ खाया नहीं ना? नहीं। हम अभी जब ढाबे पे पहुंचेंगे तो कुछ खा लेना। अच्छा, वो मीना बता रही थी कि उसके दोस्त भी दिल्ली में रहते हैं, तो जब हम टाइम से पहुंच जाएंगे तो हम उससे क्या बोलते हैं? हाँ। हिंदुत्व और इस्लाम पर छाए खतरे के बादल, मथुरा में लड़का लड़की प्यार में पागल, बताओ भाई कौसे प्यार कौसे फरार, कौसे शहर से साथ में हो तुम लोग, साथ में हो? हाँ। दिल्ली जा रहे होंगे? नहीं नहीं नहीं, जाओ जाओ, लाल किला, कुतुब मीनार, लोधी गार्डन खाली पड़ा है तुम लोग के लिए। नाम क्या बताए? अपना काम देखो ना अंकल। जी अपना काम देखो, आप काम देखें अपना। अरे भैया अपना काम तो देख ही रहे और साथ में कुछ और भी देख रहे हैं। बम्बई में एक फिल्म बनी थी। कौन सी? लिपस्टिक अंडर माय बुरका। मथुरा में भी एक फिल्म बन रही है। अच्छा। हाँ, कलावा अंडर माय बुरका। छुपाओ छुपाओ। शर्मा रुक, सर सर, उसको मत मारो, उसको मत मारो सर, प्लीज कर देता हूँ, प्लीज कर दे, छोड़ दीजिए सोनू सर, उसने कुछ नहीं किया है, प्लीज सर, प्लीज सर। सर जय हिंद सर। सर मैं वो सोनू का कोच हूँ सर, वो बहुत प्रतिभाशाली है सर, वो बहुत अच्छा एथलीट है, उसने कुछ नहीं किया सर। ऐसा हुआ है, उस लड़के को चोट लगी हुई है, इस समय वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जांच करके कार्रवाई की जाएगी। नहीं सर ऐसे, तुम तो वहाँ थी, तुम बताओ आपने उसे क्यों मारा सर, उसकी कोई गलती कोई बात नहीं, मैं थी वहाँ पे, मेरे सामने हुआ वो सब। हाँ। वो लोग बदतमीजी कर रहे थे। ठीक है आपने बता दिया ना, हम जांच कर लेंगे। हेलो सर, हम उधर ही आ रहे हैं सर। सर सर प्लीज सर। तो ये लड़का आपका दोस्त है जी? चाचू उसे बचाइए प्लीज, वो पुलिस वाले फालतू में उसको टॉर्चर कर रहे हैं, उसकी कोई गलती नहीं है, सारा किया धरा शंकर उपाध्याय के भतीजे का है, एक नंबर का गुंडा है वो। दोस्त तो इनका है, आप क्यों इतनी उत्तेजित हो रही हैं? चाचू प्लीज प्लीज। कौन से थाने में? स्कूल में तुम्हारे जैसे भले बच्चे भी हैं जान के अच्छा लगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी बच्चे को पढ़ने लिखने का शौक हो तो स्कूल जाना समझ में आता है, अब ये खेलने कूदने के लिए स्कूल जाना मेरी समझ में तो नहीं आता, आप ही समझाओ ना इसको।
क्या माँ कहीं भी चालू हो जाती हो? मैं चालू हो जाती हूँ? खेलने कूदने से किसी की जिंदगी बनी है आज तक जो तेरी बन जाएगी? ये सपने देखना बंद कर, नहीं तो ये हालत हो जाती है। हाँ, भगवान ने आपकी सुनी ली, स्कूल से भी रस्टिकेट हो गया और भाड़ में गए नेशनल गेम्स। चल छोड़, जाने दे, तू राजेश के साथ दिल्ली चला जा। आप लोगों को हमारे यहाँ कुछ खाने पीने से परहेज ना हो तो शरबत शिकंजी लाऊं कुछ? लाओ लाओ चाची, थोड़ा हम भी पी लेंगे। चल, तुझे तो जब देखो खाने पीने की पड़ी रहती है। तुझे रस्टिकेट कर दिया वो भरत वगैरह? सिर्फ मुझे ही किया है। और कोच साहब ने कुछ नहीं कहा? कोच साहब कह रहे हैं कि वो मैनेजमेंट से बात करेंगे, पर मुझे सिर्फ एक ही बात की टेंशन है, वो अभी तक मैं आपका उधार चुका नहीं पाया हूँ ना, 150 ग्लास बाकी होंगे अभी तक। तो सच में पागल है। जय भीम। राधे राधे। हाँ जी, कहिए। भाभी, इतना बड़ा कांड हो गया और आपने हमको खबर नहीं किया? कोई कांड वांड नहीं हुआ है, मेरा बच्चा घर आ गया, मुझे इस मामले को और तूल नहीं देना है। देखिए भाभी, अगर एक बार बार सह गए ना तो वो लोग बार बार वार करेंगे, इनकी फितरत ही ऐसी है और हजारों साल से हमको दबाते आए हैं क्योंकि हम सहते आए हैं। लेकिन अब वो समय गया, अब तो जमाना है कि हम उनके मुंह में मुंह देंगे। अपने बेटे को कहिए कि हमको उन लौंडों का नाम बताए और उस एसआई का भी नाम बताए जिसने इसको पीटा है। 3 महीने के बच्चे को ना पेट से बांधकर दर दर भटकती रही काम के लिए, तब नहीं आया आपका कोई पार्टी वाला मदद करने के लिए? इतने सालों तक ना अपने बच्चे को अकेले पाला है और अकेले संभाल लूंगी, और आप लोग ना उसी की मदद करते हैं जिसमें आपका फायदा हो। मुझे नहीं बनना आपका खिलौना, चले जाइए यहाँ से। भाभी, आप यहाँ से जाइए, मैंने बोला ना। हम तो आपकी मदद करने आए। अरे देखा है, बहुत मदद करने वाले। अरे एक ही चैनल लगा रहने दो ना रणवीर। ये लो बेटा। जानवी कैसे बैठी हो? पापा बैठे को लिहाज शर्म है कि नहीं है? लड़की के लक्षण तो देखो ना, उठने बैठने का तरीका, ना खाना पकाने का शौक। अरे कहीं जाएगी ना तो नाक कटा देगी हमारी। बच्चे हैं अम्मा। बच्ची? तू माँ गए थे हमारी गोदी में इस उम्र में, हमको क्या है, बिगाड़ो जितना बिगाड़ना है। बेटा, आप पर चिल्लाने या हाथ उठाने के बजाय हम खुद को गोली मारना पसंद करेंगे, इसलिए आप हमसे झूठ मत बोलिएगा। हम सच बोल रहे हैं पापा, कोई लड़का नहीं था। तो क्या चाची झूठ बोल रही हैं? वो हमें क्या पता पापा। नहीं भाई साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, लंबा सा लड़का था, दोनों साथ में खड़े थे, जैसे ही मुझे आप देखा एक मिनट चुप रहेंगी? जानवी बेटा, अगर कोई लड़का था, आपका दोस्त था और आप उसे पसंद करती हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अब आप बड़ी हो गई हैं, आपको हक है अपनी पसंद के दोस्त चुनने का। राजवीर, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अब लौंडिया खोजेगी लड़का अपने लिए? अम्मा हम बात कर रहे हैं ना। शांति, हमारी बीबी की गोली ले आओ, लड़की हमारी जान लिए बगैर मानेगी नहीं। जानवी बेटा, एक सेकंड इधर आइए। आपको हम पे भरोसा है ना? जी चाचू। तो फिर आप किसी की बात मत सुनिए, जो है हमें बेधड़क बताइए। देखिए, आपके पापा भी आपकी किसी ख्वाहिश को इनकार नहीं करेंगे। जी। था कोई लड़का? नहीं चाचू, कोई नहीं था। कितनी बार बोलूं, कोई नहीं था, कोई नहीं था। छोटी बहू, बहुत बड़ा लांछन लगा दिया ना आपने हमारी बेटी पे। अरे अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही? जिसे नाक काट के हथेली पर रख देगी ना, उस दिन जागोगे। आपके जो मन में आ करे अम्मा। हमें नहीं करना है, आपको करना है। उमेश सिंह जी के यहाँ से रिश्ता आया था, बुलाइए उनको, फोन करिए। अभी 17 की हुई है, ये शादी की उम्र है उसकी। हाँ तो
अभी शादी कर लेंगे, बाद में गौना कर देंगे। हाँ ठंड भी खत्म ही होते जा रही है। जान जी, हाँ याद आए, श्रीदेवी की बड़ी बेटी। पहली पिक्चर धड़क नहीं चली, काहे कि मराठी फिल्म सराट की नकल थी, लेकिन तुम देखे कि नहीं? नहीं। तुम लोग देखे कि नहीं? क्या पूछ रहा हूँ? ऐसा है ना अंकल जी, जितनी फुर्सत आपके पास है हमारे पास नहीं है। फुर्सत? आप लोग अपने माँ बाप को फुर्सत में रख के आए? नहीं ना, बकवास करने आए हैं। लस्सी लाऊं आपके लिए? थक गए होंगे ना बक बक करके। जानवी घर आई क्या? जानवी को तो आप लेने गए थे ना? क्यों, क्या हुआ? आधा घंटा हो गया स्कूल छूटे हुए, अभी तक आई नहीं है। फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। चलो आज वो स्कूल आई नहीं है, देखिए ना एब्सेंट मार्क है। अरे स्कूल कैसे नहीं आई है, हम खुद यहाँ सुबह उसको छोड़ के गए हैं, बल्कि उसके अंदर जाने के बाद ही गेट बंद हुआ है। एक बात बताइए, आपके यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं क्या? जी सब जगह लगे हैं। क्या हम उसकी फुटेज देख सकते हैं? ऑफ कोर्स, आइए ना। ये इस पे जूम कीजिए जरा सा, ये देखिए। हाँ ये आई तो थी, ये इसके साथ मीना जायसवाल है। इस लड़की को तो मैं जानता हूँ, ये जानवी की दोस्त है। इसका भी आज एब्सेंट मार्क लगा हुआ है, पर ये जा कहाँ रहे हैं? अरे दीवान जी मेरी बात सुनो। पका दियो। ऊपर से परेशान कर रखा है। लड़की का नाम जानवी। जानवी चलो पुलिस। आज स्कूल में बायोलॉजी का प्रैक्टिकल था, फ्रॉग का डाइसेक्शन करना था, जानवी को पसंद नहीं तो उसने बोला एब्सेंट मारते हैं। यही होता है बच्चों को जबरदस्ती साइंस साइड दिलाने के चक्कर में। आप चुप रहिए ना, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप लोगों ने सीसीटीवी कैमरे पे कपड़ा डाल दिया था। ऑपरेटर बच्चों को कैंपस में खेलता देख के प्रॉक्टर से कंप्लेन कर देता है, मैंने मना किया था जानवी। आप बच्चों पर जितने पैरे डालेंगे वो उतने ही बागी बनेंगे। आपको कुछ पता नहीं है कि जानवी कहाँ गई है? नहीं मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ फर्स्ट पीरियड तक उसके साथ थी, बाद में मैं क्लास वापस आ गई थी। मगर आप तो क्लास से एब्सेंट थी। अटेंडेंस सुबह-सुबह लग जाती है, एक बार एब्सेंट मार्क हो गए तो दिन भर वही रहता है। आप उसकी फेसबुक चेक करिए, आजकल बच्चों की सारी इन्फॉर्मेशन फेसबुक पर मिल जाती है। उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। चार्ज नहीं होगा। आपने तो सारे जवाब तैयार कर रखे हैं बेटा, और आपको बिल्कुल पता नहीं है कि वो कहाँ गई है, किसके साथ गई है। मैंने कहा ना आप उसकी फेसबुक चेक करिए। सॉरी दादा। हाँ? एक शब्द और बोला ना। भाजी हम बात कर रहे हैं। चुप। चलो जानवी। मैं तेरी सुन यार, मैं माफ कर दूंगा तुम दोनों को। शैतान मैं कह रहा हूं तुझसे, बेटा बहुत महंगा पड़ूंगा मैं तुझे, मैं बहुत करूंगा। चलो जानवी। अरे चलो क्या राधे राधे। मालिन को ढूंढ रहे मालिक? कहाँ है वो? दुकान गई है, कह रही थी दुकान से आगरा जाएगी, शाम तक आ जाएगी।
और उनका बेटा सोनू? सोनू सुबह से नहीं देखो। यही घर है ना उनका? यही घर है मालिक। अबे यार मैं कह रहा हूँ सही ना कर दे बेटा। अच्छा भागो जल्दी। क्या मैं फटूंगा? राधे राधे पार्षद जी, राधे राधे। हमने कहा राधे राधे। क्या हो गया? रेला रेला लेके हमारे इलाके में? वो कुछ पर्सनल मामला है। क्या है कि गरीबों की बस्ती में गरीब आप जैसे बड़े लोगों को देखकर सहम जाते हैं। देख बेनिया, मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। मेरी बेटी गायब है और इधर का लौंडा, ये इसी घर में रहता है, उसका हाथ। मालन का लौंडा? मेरे घर मेरी इज्जत का मैटर है, मुझे हैंडल करने दे, बीच में मत पड़, क्योंकि आगे क्या होगा उसका अंदाजा मुझे भी नहीं है। पार्षद, आपकी बेटी हमारी बेटी, ये मालन के लौंडे के लिए जो एक्शन लेना है लीजिए। समझिए बेनिया मथुरा में है ही नहीं, हम दिल्ली जा रहे हैं। बस एक विनती है, चुनाव में मेरा सहयोग कीजिएगा। राधे राधे, राधे राधे। चलो रे। फोन रिकॉर्ड्स निकाले जी। वो भाई जी साहब से बात हो गई है, 5-10 मिनट में आ जाएंगे। खबर करती मैंने, आती होगी। देखो बेटा तुम दोनों का क्या हाल होता है। अबे टट्टा बस सुनो, अब और नहीं भागा जा रहा। फिर इस चंपू का क्या? अगर PCR वैन आ गई तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। कोई नहीं आ रहा, इसे भपके दे रहे। चल हाईवे पर चलते और गाड़ी पकड़ते हैं। और ये, अरे रुको जानवी। हेलो, हमारे कमरे से पैसे, और काजल बता रही थी कि उसके कमरे से राजवीर भाई साहब की रिवॉल्वर भी गायब है। कर दिया सरेंडर। आइए कल ठिकाने, हमने PCR खबर कर दिया, वो मैं फॉलो करते हुए आ रहे होंगे। गए तुम काम से? देखते यहीं कहीं ठाए ठाए। और लौंडे, तू छोरी लेके भाग रहे है, तूने UP पुलिस का हलवा समझ रखी है। डराओ मत दीवान जी, हम वैसे ही बहुत डरे हुए हैं। लाली तेरे बड़ी देर कर दी, अब तो सजा भुगतनी पड़ेगी। देख क्या हालत हो गई है हमारी, पसीना पसीना आ गए। ये बात तेरे पहले कर दी होती, सस्ते में छूट जाते बेटा तुम लोग। सर कितने सस्ते में? कितने लगे भागे घर से? 6 निकालो, कर लेंगे 50-50। छह गोलियां हैं इसमें, बोलिए कितना खाएंगे हमारा पीछा छोड़ने के लिए। पुलिस वाली पिस्तौल। आई कार्ड दो अपना। हैं? आई कार्ड दे रहे हैं, दे रहे हैं। तुझे क्या लग रहा है हम फ्रॉडी हैं? ये ले, देख ले, देख। हैं? अब अगर 10 मिनट में हमारी नजरों से ओझल नहीं हुए ना, हैं? और अगर कोई भी पुलिस वाला हमारे रास्ते में आया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। ठीक है, बात आ गई। और आपके घर गाँव का एड्रेस तो सही है ना इसमें? कार्ड वापस कर, निकल। ये सब क्यों साथ में लाई? देख काम आ गए ना आज। अगर आपको ऐसे ही काम निकालने थे तो मुझे से जूस वाले के साथ क्यों भागी जानवी? आपकी तो किसी भी दबंग के साथ शादी हो जाती। चलिए ठीक, शुक्रिया।
टैंक चौराहे से जानवी ने ओला बुक की थी मथुरा बॉर्डर के लिए। अपना फोन और सिम कार्ड वहीं फेंक दिया। ओला के ड्राइवर का कहना है कि एक लड़का था और उसके साथ एक बुरके वाली लड़की थी। सोनू के लास्ट कॉल का लोकेशन भी वही है। अब अगर ये लोग मथुरा बॉर्डर गए हैं तो वहाँ से तो न जाने कहाँ कहाँ की गाड़ियाँ जाती हैं। दिल्ली, आगरा, कासगंज, भरतपुर, न जाने कहाँ कहाँ। बड़ी प्लानिंग के साथ निकले हैं ये लोग। सोनू कहाँ? जी सोनू तेरा बेटा कहाँ है? जी जी आप कौन? मैं उस लड़की का बाप हूँ जिसे लेकर वो भागा है। सोनू भाग गया? किसके साथ? जानवी के साथ। आप जानवी को जानती हैं? जानवी एक बार आई थी मेरे घर पे। जानवी यहाँ आई थी? मेरे बेटे को चोट लगी थी वो देखने के लिए आई थी। कहाँ है सोनू? मुझे नहीं पता, भगवान के सब मुझे नहीं पता। पर याद कीजिए, शायद कुछ याद आ जाए। ये 7:50 पे आपने उसको कॉल किया था सुबह, क्या बात हुई थी? उसने बोला कि एक जरूरी मैच खेलने बाहर जाना है। मैंने कहा कि मैं आ जाती हूँ तो फिर जाना। उसने कहा कि नहीं बहुत जरूरी है, तो मैंने कहा ठीक है जा। उसके पर कहाँ जाना है? मेरे को बिल्कुल याद नहीं क्या बोला था। आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे पीछे हो जाइए, आप पीछे हो जाइए। याद करने की कोशिश कीजिए, शायद कुछ याद आ जाए। साली आधी शुगर मेरी बीवी के खून में है और आधी मेरे भाई की जुबान पे। पूछ ही तो रहे हैं। पिछटे गंदी नाली का कचरा बेटा जुबान से नहीं डंडा डाल के निकाला जाता है। कुछ नहीं नीरज जी, भाई जी, जी। उंगली भाई जी ये क्या कर रहे हैं? सोनू कहाँ है? पकड़ पकड़ जी। क्या ताक रहे? इधर देखिए, मुंह घुमा के खड़े हैं। हम मुंह घुमा के इसलिए खड़े हैं कि हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? हमें अपनी बेटी चाहिए। ऐसे मिल जाएगी आपकी बेटी? आपने उनकी उंगली काट दी ताकि वो अपने बेटे का पता बता दे। अरे वो मां है, उनको दिख नहीं रहा है क्या कि जब आपको उनका बेटा मिल जाएगा तो आप उसका क्या हाल करेंगे? उनकी सारी उंगलियां काट दीजिए वो पता नहीं बताएंगी। उनका गला घोंट दीजिए वो पता नहीं बताएंगी। और ये क्या है? ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? वायरल करना है इसको भी क्या? पूरी दुनिया को बताना है कि हमारी जो बेटी है वो इनके बेटे के साथ भाग गई है। पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दीजिए। राजेश दिल्ली से। हाँ आवाज आ रही क्या मौसी? बात सुन रही है? हेलो भैया, हम प्रकाश बोल रहे हैं। हैं? कौन बोल रही है? भाभी हमारे घर पे फोन चार्जिंग पे लगा के गई है, इन्वर्टर पे। मोहल्ले में बिजली नहीं है ना?
कोई नहीं, उनको बोलना जैसे मौसी आ जाए बोलना दिल्ली से फोन था राजेश का और अर्जेंट बात करनी है। अरे दिल्ली वाले राजेश भैया बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी दिल्ली राजेश। अरे भाभी आप ही से बात करने को परेशान थी, फोन है डेड हो गया। परेशान थी? सोनू का पता नहीं चल रहा है ना सुबह से। मैं अभी तो सुबह से सोनू के मामले में परेशान हूँ यार। तड़के मुझे फोन किया, बोला मैं दिल्ली आ रहा हूँ, आधे घंटे में निकल लिया हूँ। मैं बोला सही है, आप सुबह से फोन लगा रहे हो, फोन नहीं लग रहा। और रात होने को आई उसका कहीं आता पता नहीं जी। नहीं नहीं वो फोन ही भूल गया अपना। लियो घर पे छोड़ गया? हमारा लड़का निकल रहा है यहाँ से माल लेके दिल्ली के लिए। अच्छा जी। हम फोन भिजवाते हैं, सोनू आया तो भाभी से एक बार बात जरूर करवा दीजिएगा, उनकी चिंता दूर हो जाएगी, बहुत परेशान है वो। अब पता बताएंगे अपना? हाँ लिख लो लिख लो लिख लो आप बोलिए। हाँ उसको बोलना अपनी कोठी पे है ना, कोई ना कोई रहता ही है, बस मेरा नाम बोल के है ना फोन छोड़ जाए। मौसी को बोलना मैं ना सोनू जैसे आता है बात करा दूंगा। हाँ ठीक है जी भैया। हाँ जी 500 कह रही है इसका। अरे 1200 से एक ढेला कम नहीं होगा? ये 1000 बोला तुम 1200? अरे टू नहीं यार पूछ लिया कर पहले। हैं? अरे वो आंटी ओरिजिनल हैंडीक्राफ्ट है, राजस्थानी है। ए आंटी किसको बोला तुझे, मैं आंटी दिखती हूँ? नहीं मतलब वो थोड़ा रोशनी कम है ना, दुकान बढ़ाने का समय हो गया। 500 में देता है तो बोल वरना मैं जाती हूँ। अबे 600 में पैक कर दे यार, हो गया चल बढ़ाने का समय हो गया, अच्छे से बढ़ा दे दुकान है ना, और चाबी छोड़ दी कोठी पे, मैं निकल गया। धामा तेरे को बोला था मैं, वो कौन आप खाली छोड़ने को बोला था ना तेरे को? अरे हटाओ यार मेरा भाई आ रहा है। कहीं भी सो जाएगा राजेश भाई, इतनी सारी जगह है अपने पास। अबे नहीं सो सकता ना कहीं भी, बड़ा लंबा है अमिताभ बच्चन, बल्कि उससे भी डेढ़ हाथ लंबा। हाँ समझा कर यार दामा, ये हटाइए आलू प्याज हटाइए यार, ये लैपटॉप तेरा उठाओ चल। एक मिनट कौन है भाई? विक्रम थोड़ी जगह बना, कौन है भाई आ रहा है। अरे सोनू अबे गजब लापरवाह इंसान हो यार तुम, क्या बोलू मैं तुमको है? ए देखा बच्चन है कि नहीं हाइट से भी लंबा। चल कोई नहीं तू आ गया ठीक तो है ना, तू खा खात पाव धोके है ना, खाना खाना लेके आऊ, खाना खा ले। और बाहर क्या हुआ? एक अबे रुक बाहर क्या है? मतलब मौसी को भी नहीं मालूम? यार फोन पे कोई हिंट तो दे देता, कुछ इंतजाम कर रखते। बाबू दिल्ली है दिल्ली, मथुरा नहीं है कि कहीं भी राधे राधे बोल के आधे आधे एडजस्ट हो गए। देखो भाईजान कोई बंगाली बात नहीं है, हैं स्टूडेंट है स्टूडेंट, वो रेलवे भर्ती का पर्चा देने आए हैं। ओ मेरे रूम पे तो ऐसी बजड़ फैली ना क्या बताऊं। अच्छा हाँ, तो मैं क्या इधर आराम कर लेंगे, पढ़ना है तो पढ़ लेंगे, तो इसलिए लेके आए बस। अबे उधर क्या देख रहा है, मैं बोल रही हूँ ना कोई पंगे वाली बात नहीं, भाई बहन है भाई बहन है। हाँ ठीक है भाईजान मैं समझ गया, इधर ज़्यादातर भाई बहन ही आते हैं पढ़ाई करने। अब ये एक घंटे पढ़ाई करें, दो घंटे करें या पूरी रात, पर रेट वही रहेगा 300 रुपया घंटा। आइए भाईजान आइए आइए आइए। अबे बत्ती चला दे भैया। आइए ये देखिए। ओ अबे क्या ये सब रायता फैला रखा है इधर, हाँ साफ सफाई नहीं किया इधर। हाँ वो गेस्ट अभी थोड़ी देर पहले चेकआउट किया ना इसलिए। अरे ये क्या जैसे पूरा पान वान थूका हुआ है अंदर बाथरूम में यार, ये क्लीन कर दे वो। अरे 2 मिनट का टाइम दो भाईजान, अभी इसको 5 स्टार बना देते हैं। तेरे लिए खाना लेके आया था यार पैक करके, तो रूम पे छोड़ गया। मैं लेके आऊं? हैं तुम लोग सेटल हो जाओ मैं 10 मिनट में आया। ए सुन ना ये है ना, मैं 15 मिनट में आ रही हूँ, बच्चों का ख्याल रखना हाँ समझा, और साफ कर दे चकाचक एकदम। हाँ ठीक है भाई जान, मैं आ रहा हूँ आप भी आए। तब तक बाथरूम कमरा सब चकाचक हो जाएगा, कंपोर्ट और ये सब फॉरेन आइटम है साहब, कोई दिक्कत हो कुछ मंगवाना हो तो यही नीचे हो, शायद आवाज लगाना मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। वैसे बालकनी से भी नजारा देख सकते हो।
क्या हुआ जानवी? कुछ नहीं हुआ सोनू, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है यहाँ पे, बहुत अगली और स्कैरी सी फीलिंग आ रही है, सब कुछ बहुत गंदा लग रहा है यहाँ पे। जानवी लाइफ ऐसी ही है, हमारी शर्तों पे चलने के लिए हमसे बहुत भारी कीमत मांगती है, टूट के बिखर जाने वालों पे कभी मेहरबान नहीं होती। हम साथ हैं और जब तक हम साथ हैं बिखरेंगे नहीं। और जानवी जी ऐसे रोया मत करिए, आप रोते वक्त अपनी माँ की तरह लगती हैं, और ना मुझे डर लगता है फिर। अच्छा हंसिए 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 हंसिए। कितने हुए? 45 रुपये। अब पागल हो गया तू? अरे खाना धामा। भैया ये लोग राजेश को ढूंढ रहे हैं, बड़ा सीरियस केस लग रहा है। राजेश को? आप? अक्षय कुमार सिन्हा। कहाँ से हैं? बिहार दरभंगा से। राजेश, राजेश को बुलाना है तो बग्गा जी के ढाबे पे खाना खा रहा था, अभी उसको फोन लगा दिया तो मैं बोला खिलाऊं। उठाओ उठाओ उठाओ, हमारा नंबर है, उठाओ उठा लो। अरे तो आप भाग क्यों रहे थे? आइए चलिए। चल चल। सोनू सोनू, मैं राजेश, दरवाजा खोल। अबे भूतनी के, ये बाहर से लगा है, खोल ना। खोल यार, लाइट जला। अरे कहाँ है भाई स्विच? यही छोड़े थे मालिक, यही था वो रूम। वो सच बोल रहा हूँ मालिक, विश्वास करो यार। ए मामा, ए शाही, ए उठ 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 बेटा उठ। ए वो दोनों कहाँ गए? वो अपने वो स्टूडेंट कहाँ गए? वो दोनों वो कहाँ गए यार? ए शाही, वो रूम में नहीं है, वो रूम में नहीं है, वो किधर है? वो लोग तो चले गए भाईजान। किधर? बोले कि हाँ, बोले कि कमरा उनको समझ में नहीं आया, पेमेंट किए और निकल गए। मगर भाईजान वो लड़की कुछ ज्यादा ही हाईफाई बन रही थी। आप लोगों में से दो लोग इनके कमरे में जाइए जी भैया, और देखिए अगर वो वहां आते हैं तो। हाँ, आप कहीं नहीं जाएंगे। हाँ? आप हमारे साथ रहेंगे। ठीक है मालिक, मैं गाड़ी में बैठता हूँ। वो लड़की हाईफाई बन नहीं रही थी, वो हाईफाई है। यार मेरे दिल के अंदर,
भैया वो राजेश भाग गया भुतनी का। हम सब लोग अंदर ही थे, थोड़ी देर पहले उठा और बोला टॉयलेट जाना, और टॉयलेट का बहाना बना करके भाग गया और मोबाइल भी बंद कर लिया। टिकट? किधर? हाँ? जाना है? वो ये भैया सुबह दुकान पे मिलते हैं, सोन जनपद देना एक 10 रुपए एक जनपद। सोनू, अबे सोनू, सोनू उठ जा बेटा। बाबू रायता फैल गया बाबू, बहुत ही गाढ़ा वाला है। चलो उठो उठो। क्या हो गया? अबे दबंगों की लड़की भगा के लाओगे तो और क्या होगा। निकल ले अभी, निकल ले, चल निकल ले, निकल ले चल, नहीं तो समझ ले आज अपना क्या हुआ। बताइए ना क्या हुआ। अरे तलवारें बंदूकें ले आए तुम्हारी बारात में चलाने को, ये कौन सी आग में कूद गए बाबू है, और हमको भी कुदा दिए बैठे बैठे। अच्छा क्या तुमने कॉल कर दिया। हाँ सुन, आ जाए ना दुकान की तरफ मत जियो। हाँ जानवी को फोन दीजिए। जी कौन कौन बोल रहा? जानवी को फोन दीजिए। बोलिए चाचू। जानवी ये क्या किया तुमने? क्या कर क्या रही हो? तुमको पता है तुमने कितनी बड़ी मुसीबत में डाल लिया खुद को, हम सबको। हमने सिर्फ आजाद किया है खुद को चाचू। हमसे किससे? हम तो आपके दोस्त हैं ना, तो हमसे क्या नाराजगी है? और अगर ये सब करना ही था तो हमें एक बार बोल तो दिया होता। बोलने से क्या होता है चाचू? आप बोलती तो आपने तो हमारे सर पे हाथ रख के झूठी कसम खा डाली। सच बोलने से क्या होता है चाचू? पापा को, अम्मा जी को, माँ को, चाची को, बिरादरी को तैयार कर लेते आप सोनू को एक्सेप्ट करने के लिए? करते, कुछ ना कुछ तो जरूर करते। और जिस सिचुएशन में आप हैं कम से कम उसमें तो ना आने देते आपको। कुछ नहीं कर सकते थे आप चाचू, ना ही कुछ कर पाएंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप हमारे घर वालों की सोच को बदल सकते हैं चाचू? सबसे बड़े डिल्यूजन में तो आप हैं। मुझे आप पर तरस आता है चाचू। यू नो इफ यू रियली वांट टू डू एनीथिंग फॉर मी Just leave us alone, Chacho. Please leave us alone. हाँ हेलो। जी भैया। हेलो, कहाँ है तू? कहाँ? निकल लिया। हैं? निकल लिया? अबे रुक, रुक जा, मैं आ रही हूँ। शर्मा जी, good morning. Good morning. Sorry इतनी सुबह disturb किया आपको। कुछ काम था? जी जी। एक नंबर टैप करवाना था। दिल्ली का है? जी हाँ दिल्ली का। हाँ बस 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 ये टेप ये टेप के पास दबा दे। हाँ चल बस 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 उतर जा, सुन जा, उतर चल 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 चल। ए आज़म, ए बेटा दी बेटा इसको बैठो बैठो बैठो, चलो जाओ। कितना हो गया भैया? शर्मा जी, वो फोन स्विच ऑन हुआ है, मूविंग व्हीकल में जीपीएस का ट्रैक लिंक भेज रहा हूं। जी जी शुक्रिया, भेज दी भेज दी, थैंक यू। आई टी विदाउट
क्या हुआ? तो आपने सोच लिया कि इनके साथ रहेंगे? कितने दिन के लिए? कोई प्रॉब्लम है तो साफ साफ बताइए राजेश भैया। अरे कोई प्रॉब्लम ना है, मैं सिर्फ इनकी मतलब दोनों की प्लानिंग के बारे में पूछ रहा था। क्या प्लानिंग है, क्या इरादा है? अब इतना बड़ा स्टेप उठाए हो, कुछ तो सोच समझ के उठाया होगा ना भैया। 8-10 महीने का इंतजार है, उसके बाद ये भी 18 साल की हो जाएगी और मैं भी। 8-10 महीने और इनके फैमिली वाले जो तलवारें तमंचे लेके फॉलो कर रहे हैं हमको, वो रुके रहेंगे हैं? बात करिए। क्या हुआ भैया, आपको भी हमारे रिश्ते को लेके कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे कोई प्रॉब्लम ना है, पर कहीं आपको ना हो जाए प्रॉब्लम। बात सिर्फ इतनी है कि सपने और हकीकत में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। मैंने हकीकत में सपनों को टूटते तो बहुत बार देखा है, लेकिन सपनों से हकीकत को बदलते हुए बहुत।
देखो अभी यानी यहाँ से आगे जाने से पहले मुझे दो बहुत ज़रूरी बातें करनी, एक आपसे और एक तुझसे। अब जहाँ हम लोग जा रहे हैं वो बेड़ियों लोगों का डेरा है। बेड़िया मतलब बंजारे, नट भाटू उस जाति के लोग। अब उनके तौर तरीके, चाल चलन, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको अजीब लगेगी। और ये जो खुद को शरीफ समझने वाले हम लोग मिलते हैं ना, 50-100 सवाल पूछते हैं, कौन जात, कौन गोत्र, क्या नाम, किससे कैसा रिश्ता है, उनसे है ना सबसे ज़्यादा खतरा होता है, ये समझ लो बाबू। और वो है ना इनके डेरे के आसपास भटकते भी नहीं है, वो क्या पुलिस प्रशासन कोई नहीं आता, तो इसीलिए आपके लिए सेफ है, हैं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ चलो चलो। दो बातें थी ना भैया, दूसरी कौन सी बात थी जो आप हमें बताना? हाँ वो डेरे पे जाके करेंगे। आप ये चुनरी ओढ़ लो सर पे। जी ओढ़ लो। मैंने बोला था ना चाचू आपको, सबसे बड़े डिल्यूजन में तो आप जी रहे हैं, मुझे तरस आता है यहाँ पर। अरे रुको रुको रुको, बड़े भाग मारे जो आप लोग पधारिया। बड़ी चौकी रानी ढूंढ के लाया हूँ वरना जी। अरे आओ आओ बैठो बैठो, झाड़ी और हमारे बंडा जी हुए सोनू। अरे बैठो बैठो, अपना ही घर समझो जी। मैं तुड़ेरा गई थी आपका सामान लाने, अब पानी लोगे या पेप्सी? पेप्सी ले लो, गरम में जावेगी तो बेकार लगेगी। तो की हो इनका फोन आयो तो मैं उल्टे पर भागी, आधे घंटे में जितना हो सका। भाभी फ्री है, यही वो दूसरी बात, रिश्तेदारों को बताता तो उसकी जात बिरादरी पे पहुंच जाते, फालतू की बातें शुरू हो जाती और रिश्ते बिगड़ते, इसलिए साला किसी को बताया नहीं। हम कौन सा राजा महाराजाओं की बिरादरी से जो किसी को छोटा बड़ा कहें? अब ऐसा है कि अपनी अपनी गली में हर कुत्ता खुद को शेर समझता है बाबू, अब इसी मगालते में यह सिस्टम सदियों से चल रहा है। खैर सच तो यह है कि मलिका को चाहिए था कोई अपना जो उसे मंगलसूत्र पहना सके, अब अपनी बिरादरी में ढूंढती तो यही सब तीन पत्ती खेलने वाले औरतों की कमाई पे पलने वाले शराबी मिल जाते, और मुझे चाहिए था कोई अपना जो यहाँ मेरा धंधा देख ले, दोनों का फायदा था, इसलिए मामला सेट हो गया। कैसी घटिया बात कर रहे हो भाई? घटिया नहीं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। प्यार को धंधे के साथ जोड़ते हो और उसे प्रैक्टिकल बात कह रहे हो? छी, आप अपनी कायरता को छुपाने के लिए डरपोकों जैसी बातें कर रहे हो, मुझे आप पे शर्म आ रही है। शर्म आ रही है? और तू बड़ा वीर है ना, हैं? ये जात बिरादरी का फर्क मिटाने चला है। मैं सोचा था बाद में कभी दिखाऊंगा, पते किसे, देख तेरे लव स्टोरी के खाबू की हकीकत, ये है प्रैक्टिकल जिंदगी। आया जान, एक मिनट, देख लियो इसे, तेरे जाने मन के घर वालों ने भेजा है, देख इसे, और इसी मोबाइल में ना अपने वीरता की एक सेल्फी निकाल लियो, बात करता है। जानवी, 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 ए!
चटनी अंदर भूल गई। लियो। खाओ बना। थोड़े रिजर्व टाइप के लागे हैं मन्ने सोनू भैया। लोग अति गुलना मिलना पसंद नहीं करे शायद। नहीं भाभी, बहुत मस्ती खोर है। अभी अचानक से पता नहीं क्या हुआ इसको। लियो जी, यो वही गयो अपरो कमरो सेट। आप लोग यहाँ आराम से सो। नहीं नहीं भाभी, आप लोग सोइए यहाँ, हम बाहर रूम में एडजस्ट हो जाएंगे। भाई हम लोग बहुत सो लिए साथ में, अब तुम लोग मौज करो। हाय, मन ही मन का खेल चले, तन तक बात ना पहुंचे अब तक। भाभी प्लीज। अरे मैंने पहले पता होता तो फूल वूल लगा देती, अच्छे से सजा देती कमरा। डेरे पे बड़ी धूम से होवे ना थुतराई। मारो बाप जयपुर ले गयो तो मरने बड़े सेठ के पास, 50,000 दिए थे। आजकल तो काली भूटनिया भी 3-3 लाख ले वे। देखो ऐसी हूँ मैं, बोलने लगी तो बोलती ही रहती हूँ। चलो आप आराम करो, मैं चली। सोनू, सोनू, तुम्हारी भाभी भी ना अजीब ही बातें कर रही थी। अलग कल्चर से है ना, शायद इसलिए। पता है उनको तो लग रहा है जैसे ये हमारी सुहाग रात है। नट फट पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। हेलो, क्या हुआ? वो कल रात से सोई नहीं है ना, इसलिए। चलिए आप भी सो जाइए। तुझे कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहां फंस गया मैं? अच्छी खासी जिंदगी जा रही थी और एक लड़की ने आकर सब उलट पुलट कर दिया। नहीं नहीं, क्या सोनू? जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। तू एक बात सच सच बताएगा, मैं कहीं खुद को थोप तो नहीं रही तेरे ऊपर? मेरी लाइफ में जो आपके लिए जगह है वो और कोई नहीं ले सकता, और मैंने सोचा था कि आपके लिए मैं कोई भी सफरिंग सह सकता हूँ, पर क्या? पर माँ को सफरिंग में देखना काफी डिफिकल्ट होता है। जाए। हम लोग आपके जले पर नमक छिड़कने के लिए नहीं आए, लेकिन पूरा सिंह समाज हिला हुआ है बिटिया की खबर से। माफ करना देख साहब, आपके रुतबे की वजह से अब तक हम लोग चुप बैठे थे, लेकिन बेटी वाली बात पूरे मथुरा में फैल चुकी है। सिंह साहब, सब लोग सांस थाम के बैठे हैं अगले आपके आदेश के लिए। बिल्कुल सही बात है अध्यक्ष जी। देखिए, यह हमारा प्राइवेट मैटर है, हमें इसे प्राइवेटली हैंडल करने दीजिए। अरे सिंह सभा के अध्यक्ष की बेटी पर जमुना पार के किसी लौंडे की जरूरत? प्राइवेट मैटर है ये, हमारी पूरी बरादरी के मुंह पर तमाचा है। एक्शन तो लेना पड़ेगा। लेंगे एक्शन लेंगे, मगर वो मिले तो ना। हम लोग ढूंढ रहे हैं ना। कौन लोग ढूंढ रहे हैं? राजवीर सिंह जी, हमारे तरह उनका समाज बिखरा हुआ नहीं है कि एक भाई एक सुर में और दूसरे भाई दूसरे सुर में। वो लोग वोट भी देते हैं एकजुट होके और चोट भी देते हैं एकजुट होके। बिटिया को ऐसी जगह अंडरग्राउंड करेगा कि जिंदगी भर ढूंढते रह जाएंगे आप लोग। बच्चे हाथों में तलवार ले इंतजार कर रहे हैं, उन सालों की झोपड़ों की आग में हमारी तलवारों को जरा चमकने तो दीजिए। घंटे भर में वो छोर आपके सामने होगा। बात बात में तलवार निकाल लेने से ना बात में धार रह जाती है ना तलवार में।
आप लोगों की इन्हीं बी ग्रेड फिल्मों की बातों का नतीजा है कि आप लोग नगर निगम परिषद से आगे नहीं पहुंच पाए आज तक, और आप लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से आपके बच्चे भी नहीं डरते हैं आपसे, कोई और तो क्या डरेगा। मुसीबत अध्यक्ष जी के घर तक पहुंच आई है, इसका मतलब आज तक जो भी आप करते आए सब बेकार है। इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? तो फिर करना क्या होगा? जो करना है वो बताने की जरूरत है क्या? जो इज्जत कमाई है वापस कमानी है, हथियानी नहीं है। चलिए। राधे 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 राधे। क्या इज्जत की बात कर रहा है, पागल हो गया? चूतिए जैसी बात कर रहा। राधे राधे। कमाइए इज्जत, हम भी देखेंगे। पुलिस, प्रशासन, आदमी, हथियार सब तुम्हारे पास थे, फिर भी वो चुपचाप निकल गए। इज्जत कमाने की बात करते हैं, हंसी का पात्र बन गए हैं हम अपनी ही बिरादरी में तुम्हारी वजह से। सगे भाई हो इसलिए चुप है, कोई और होता तो तक चिता पे लिटा दिए होते उसे। नमस्ते। रियली सॉरी फॉर द बॉदर मैम, एक्चुअली वी लॉस्ट आवर फोन समवेयर अराउंड, कैन वी जस्ट रिंग इट फ्रॉम योर फोन, जस्ट टू लोकेट इट? श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच। वेयर आर यू फ्रॉम? स्विट्जरलैंड। आई हैव सीन इट इन आवर फिल्म्स। हेलो कोच साहब, सूरज बोल रहा हूँ मैं। जानवी की दोस्त मीना के मोबाइल से मिली हैं ये तस्वीरें, देखिए कितनी खुश लग रही है हमारी जानवी। ये क्यों दिखा रहे हो तुम मुझे? याद कीजिए कि आपने इतना खुश उसे कब देखा था। पापा, लव यू। भाभी ने 5 मिसकैरेज की तकलीफ झेली, आप 1 साल तक हर सुबह नंगे पैर कृष्ण जन्मभूमि पे फूल चढ़ाने गए, तब जाके ये बच्ची गोद आई। बिरादरी का अध्यक्ष बनने के लिए भी इतनी मन्नतें मांगी थी क्या आपने? एथलीट है, 6.5 फुट का लड़का है, कोच कह रहा था 90-95 मीटर पे जैवलिन भाला फेंकता है, हमारा नेशनल रिकॉर्ड 86 मीटर का है, 96-97 मीटर पे तो गोल्ड मिल रहा है पिछले 2-3 ओलंपिक में। बाप का नाम कोई नहीं जानता है, बाप के कॉलम में कन्हैया लिखता है, माँ कन्हैया जी के मंदिर के बाहर फूल बेचती है। कहना क्या चाह रहे हैं? यही कि जमुना पार की जमीन पे हमारे ही किसी बंधु का बीज फला है, यही हिपोक्रेसी है हमारी बिरादरी की। जिस जमीन की मिट्टी को अपने बदन पे नहीं लगने देते हैं उसी जमीन की मिट्टी पे अपने बीज फेंकने से गुरेज नहीं करते हैं, इसलिए यह सब असल नस्ल की बातें सब बकवास है।
जानवी हमारा खून है। अगर मिलेगा तो अपनी ही रवानगी के किसी खून से मिलेगा, गंदी नली के पानी से नहीं। ये सुबह और रात को लेना, ये दोपहर को, और इसे संभाल के रखना। ये किसी और चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। राधे राधे। ये लो, रखो इसे। नमस्ते नमस्ते, बैठो बैठो। मुझे लगता है सूरज ही होगा। हेलो कोच साहब। हाँ 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 सूरज, एक मिनट। सुनो माँ, मैंने देखा कैसे उन लोगों ने तुम्हारे लिखा। तूने क्या किया बेटा? उनके घर की इज्जत लेकर भाग गया? और क्या सोच रहा था कि तेरी माँ के लिए पेड़ों का ताल भिजवाएंगे? मेरा दिल कह रहा मैं अभी वहाँ हूँ। और क्या, आगे उनसे बदला लेगा तू? अरे उनमें से एक ने मेरी उंगली काटी ना, तो दूसरे ने जोड़ भी दी और इलाज के पैसे भी दे रहा है। माँ मुझे चिंता हो रही है तेरी। मेरी जान तो तुझ में बसती है बेटा, तू सलामत है ना? तो मैं सलामत हूँ। और हाँ, जिस लड़की को लेकर दर दर भटक रहा है ना, वो किसी के घर की इज्जत है, उसकी इज्जत पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। जी जी। अच्छा बेटा, कोच साहब कह रहे थे कि रोहतक में नेशनल स्पोर्ट्स कैंप होने वाला है और वहीं हीट्स और फाइनल सिलेक्शन होंगे। उन्होंने मेरे डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड और स्कूल रिकमेंडेशन पे एंट्री तो करा दी है। तूने क्या कहा? कि इस कंडीशन में और बिना प्रिपरेशन के मैं पार्टिसिपेट कैसे करूँगा, और वैसे भी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं अपने आप को तो खतरे में डाल सकता हूँ पर आपको नहीं। वो बोले कि तुम दोनों ही इधर आ जाओ, उनके चाइल्डहुड फ्रेंड आईजी हैं सीआरपीएफ में, रोहतक में ही, उनके ही बंगलों में रहेंगे और पास में ग्राउंड है, उसी में प्रैक्टिस करेंगे, कोई खतरा नहीं होगा। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? यार पता नहीं क्यों मुझे दिल्ली रोहतक बिल्कुल भी सेफ नहीं लगता। अगर उन्हें कोच साहब को ट्रेस कर लिया तो फालतू में रिस्क है। फालतू का? तेरे करियर का सवाल है सोनू। पर मेरे लिए आप ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तेरी मम्मी ने क्या कहा? कि आपको सेफ रखूं। कितना लेंगी? हट। अरे धक्का क्यों बोलो ना? क्यों मारते हो रेडी? भाव ही तो पूछ रहा। अरे इसके तो बंदे लगे हैं, इसके तो 2500 से कम नहीं मिलेंगे। तूने हमें कहाँ ठहरा है राजेश? जा बेटा। कुछ पूछ रहा हूँ मैं। राजेश हाँ, बड़ा भाई हूँ तेरा, क्या हो गया तुझे? धूप लग गई क्या बाहर? मैं पूछ रहा हूँ क्या जगह है ये? क्या जगह? भेड़ियों का डेरा है, बताया तो था। जी पानी लो। डेरा है या धंधे का बाजार है? देख ये लोगों का कल्चर अलग है, कुछ चीजें तुझे अजीब लगेगी। मैंने बोला था अजीब लगेगी। वहाँ झुंड के झुंड लोग जानवी के ऊपर झपट। अबे पर तू इसको लेके बाहर क्यों निकला? I'm sorry भैया, पर प्रोस्टिट्यूशन कहाँ का कल्चर होता है? यहाँ का है, यहाँ का कल्चर है। ये लोग नहीं मानते बुरा उसको। अब ये जरूरी नहीं कि तुम जिसे गलत मानो सारी दुनिया उसको गलत समझे। अरे किसी को गोश्त खाना पाप लगता है, कोई प्रसाद में चढ़ाता है गोश्त। अब है इनका कल्चर, बेटियों से धंधा कराते हैं, बाप बेटे मिलके दलाली करते हैं, है? और तेरी भाभी उसी कल्चर से आती है। ऐसी जगह आप अपनी फैमिली रखोगे? रखोगे नहीं, रखता हूँ। वो यहाँ ज्यादा सुरक्षित है बजाय कि दिल्ली की गलियों से। यहाँ उसके मंगलसूत्र की इज्जत होती है। अरे किसी के मजाल है जो प्याता औरत की तरफ आंख उठा के भी देख ले। ये समझते? अब मुझसे तू तड़ाक कर लिया, इसको भी बोल दे वेश्या। बोल बोल।
सोनू शुक्र है देवी मैया का मंडी तो लागे ऐसे नाराज हुए भैया की जानवी को नहीं किए ये तो बस मंगल सूत्र अरे आप भी बोलो ना कुछ अरे यार मार खाएगा चल फिर चलो चलो चल मत्था टेको मैया थानी मुरत पूरी कर दो एरी जोड़ी खुश रहे चलना यार कुछ खाते तो रहा है ओके चल ए ये आओ सामने में आओ तू भी आओ सोनू को जानता है सोनू अरे वो लंबा लड़का अबे हाँ सोनू हाँ सोनू सोनू हाँ वो तो महीनों से नहीं आ रहा महीनों से नहीं आ रहा नहीं अंदर में क्या चल रहा है अरे वो फाइनल का तैयारी चल रहा है अपना रोहतक में फाइनल है ना कब है टूर्नामेंट अभी नेक्स्ट वीक कोच है अंदर में हाँ है अंदर ही है ठीक है जा 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 जा, जा। लगे रहे लगे रहे सोनू मैंने कोच साहब को व्हाट्सएप कर दिया है कि हम रोहतक आ रहे हैं चलो फटाफट तैयार हो जाओ लेकिन अरे हम कब तक ऐसे छुप छुप के जिएंगे चल रोहतक चलते हैं वहां तो जमकर प्रैक्टिस कर और ऐसी परफॉर्मेंस दे कि नेशनल्स में लाइमलाइट में आ जा और एक बार नेशनल हीरो बन गया ना तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा फिर सरकार भी हमारी रक्षा करेगी इवन पूरा देश करेगा सोनू अपने देश में सिर्फ क्रिकेटर्स ही नेशनल हीरो होते हैं जैवलिन थ्रोवर नहीं पर तू बनेगा सोनू मेरा दिल कहता है ये लो अब क्या नहीं वो नजर उतार रही थी अरे नहीं मेरी जान उनकी गाड़ी निकल जाएगी रोहतक अरे अरे नहीं नहीं रो मत भाभी क्या आप चलो चलो निकलो भैया मुझे डांटेंगे अच्छा पहुंचने फोन कर देना हां फोन करना भाई भाभी को देख सोनू सोच ले तू तू सेफ तो रहेगा ना हाँ राजेश भैया जब सीने पे इंडिया लिखा होगा और गले में मेडल होगा तो ना मेरी कोई जात पूछेगा ना धर्म सिर्फ मुझे जानेंगे और मेरे देश को ठीक है भैया थैंक यू ख्याल रखना अपना हाँ और पहुंचते ही फोन कर हाँ पे छपी है सूरज माली क्या वही लड़का है राजवीर जरा ध्यान से देख लीजिए तो फिर क्या जाए कुछ रोहतक का इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया मगर अब इस मामले को हमें अपने हिसाब से हैंडल करने दीजिए क्यों क्योंकि बात बनानी है बिगाड़नी नहीं इससे ज्यादा और बात क्या बिगड़ेगी आपको लगता होगा कि आप बहुत शार्प माइंडेड हैं बहुत स्मार्ट इंसान हैं लेकिन हमारी बिरादरी नहीं मानती और हमें नहीं लगता है कि आपके घर के लोग भी इस बात को मानते होंगे देखिए भाई जी मामला बहुत सेंसिटिव है और हमको लगता है कि इसको आपको ही हैंडल करना चाहिए क्या बोलते हो भाई लोग ये मामला कितना सेंसिटिव है ये तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है पंकज जिस दिन से गए उस दिन से हम सोए नहीं हैं यहां तक भरे बैठे हैं कभी भी किसी पर भी फट पड़ेंगे फालतू में हमारा जो है ना पेशेंस मत टेस्ट करो बस निकलो सर जा रहे हम लोग चलो 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 हम लोग तो घर जमुना पर बचाने Thank you.
आखिर तो अपने ही खून है ना बेटा, संभालना अम्बी को। पगला गए लोग, खालिस मार गया दिमाग में। पता का है अपनी लौंडिया पे बात आ गई है ना। तो फिर का बिरादरी का नाक कटाएंगे इनकी लौंडिया के चक्कर में। बिल्कुल तो सुनो, लौंडे का पता है अपने पास में, स्टोरी चल के करते हैं फिनिश। सिर्फ लौंडे की स्टोरी फिनिश करेंगे दत्ता? नारे दत्ता, लौंडे का तो करेंगे, लौंडिया का भी करेंगे। पूरी बारात चल रही है ना, जिसका जो मर्जी हो कर लियो। क्या बात कर, अध्यक्ष जी की बेटी है। हाँ तो क्यों भागी जमुना पार के लौंडे के साथ में? इज्जत गमाने का बड़ा शौक है, हैं? तो कमाओ इज्जत, करो मदद तुम लोग। चल चल कर स्टार्ट। सुन, कल सुबह सब लोग तैयार रहियो, लौंडिया का भी करेंगे। पूरी बारात चल रही है ना, जिसका जो मर्जी हो कर लियो। एक्सक्यूज मी। यस माय बॉय, तूने कर दिखाया, ये देख। ये कुछ नहीं है, राजेश भैया एक बस्ती में लेकर गए थे, वही पहनाया था ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ आने के बाद मैंने बोला था उतारने के लिए, पर लगता है जानवी को ये पसंद है। बेटा इसे उतार दे, तू इसके नाम का मंगलसूत्र पहनना चाहती है ना, तो पहन लेना, पर सबकी रजामंदी से। और पता है कन्हैया जी भी ना इसका योग बना रहे हैं, तू भरोसा रख, भरोसा रख। उतार दे बेटा। ले जा खा रही है। देखो तो। पर कोच साहब, ये तो मेरे चाचा की कार है। हाँ वही तो जा रहे हैं। तुम लोग तो चले गए भाग करना, वही बेचारा अकेला पागल आंधियों से जूझता रहा। बड़ा भला इंसान है बेटा, जब अधर्म बढ़ता है ना तो कन्हैया किसी ना किसी को भेज देते हैं रक्षा करने के लिए। इस बार तेरे चाचा को भेजा है, वो आ रहे हैं। देखो घबरा मत, चल ना, चल चल। चाचू, अरे घबराओ नहीं, तुम लोग देखो चले गए तो चाचा ही तो चाचू। चलिए हम सब गाड़ी में, भाई कहाँ लेके जा रहे हैं? पर चाचू कहाँ ले जा रहे हैं? आप गाड़ी में बैठिए, हम सब बताते हैं। चलिए बैठिए, पर जा कहाँ रहे हैं? हम सब बताते हैं। सोनू नहीं माँ, बैठिए आप लोग, बताइए तो कहाँ लेके जा रहे हैं? माँ कहाँ जा रहे हैं? पर कोच साहब को भी बता करने, वो परेशान हो रहे होंगे। अरे क्यों परेशान होंगे, एक काम कर, ये मेरा फोन ले ले और उनको बोलना माँ आई थी उसके साथ गया, वापसी में ना भाई साहब आपको छोड़ देंगे, है ना भाई साहब? कहाँ ले जा रहे हैं चाचा? मथुरा, पापा से मिलने, पापा के पास ले जा रहे हैं क्या चाचा? घबराइए नहीं, पापा ही नहीं, भाई साहब कह रहे थे कि आपका पूरा परिवार आ रहा है, माँ दादी चाची सब लोग। क्यों? क्यों का क्या मतलब, अपना परिवार है, मिलेंगे नहीं? देख जैसे ही सब लोग आए ना माफी मांग लेना। हाँ मालिक। भाई साहब रिश्ते सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सब लोग शांति से रहें। कोई रिश्ता नहीं सुलझने वाला आंटी, आप मेरी फैमिली को जानती नहीं है, पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाकर चाचा आपको लेकर आए,
वो लोग कभी सोनू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपकी यही प्रॉब्लम है जानवी, कि आप अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर हो गई हैं। हर बात को अज्यूम कर लेती है। आपने घर पे किसी को बताया सोनू के बारे में? अरे जब बताया नहीं तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की बात कहां से आ गई? बस अज्यूम कर लिया कि कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा और भाग गए। और आपकी ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी जो घर में एक्सेप्ट नहीं हुई? जाइए सामने गाड़ी के, आपके पापा खड़े हैं, उनको मिलिए और माफी मांगिए। जाइए। जाओ बेटा। जानवी, I'm sorry, Papa. Sorry, Papa. Sorry. So sorry. बढ़िया जगह चुनी आप लोगों ने मेल मिलाप करने के लिए। तो आप आ गए? आ गए, आपके पीछे पीछे ही तो थे। शेरों को उकसाओगे? अरे खामोश क्यों हो? माहौल नहीं बनाइएगा अध्यक्ष जी। हाँ, नारा लगाओ, शेरों को उकसाओगे। चुप चुप, क्यों आए हो तुम लोग? किसने कहा था मजमा लगाने के लिए? कहा बात कर रहे अध्यक्ष जी, मजमा? अरे हम सपोर्ट करने के लिए आए हैं, मॉरल सपोर्ट। मैंने वहां कर तो सपोर्ट साले, यही जिंदा गाड़ू का अगर ज्यादा हो जाए। भाई ज्यादा गर्म ना होइए। बाहर बैठे बता रहे हैं। देखिए आप लोगों ने अच्छा किया, आप लोग आ गए, पर यह हथियार नीचे कर दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे करिए ना नीचे। अरे आपको आपको इनसे मिलना है ना, हम मिलवाएंगे ना इनसे, आप हथियार नीचे कीजिए। भैया कहिए ना। ए, नीचे कर हथियार, नीचे कर। ये सूरज है। राजबीर, सूरज नहीं, सूरज माली है वो। माली है वो, माली है। हाँ हाँ वही सूरज माली, सूरज माली। ये इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी है, ये नेशनल गेम में सेलेक्ट हुआ है। सिर्फ 17 साल का है ये,
देश का कितना नाम रोशन करेगा आप लोगों को पता है? अरे का पहले समझा रहे हो, जो भी बोलना है सीधा सीधा आओ। अरे हम का समझाएंगे, हमको तो खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत कोशिश की है, बहुत कोशिश की है, मगर क्या दिखाएं ऐसे सूरज की रोशनी जिसके नाम पर ही उसकी जात का ग्रहण लगा हुआ है। और यही हमारे देश का दुर्भाग्य है। यही सब करना था तो छानवी को क्यों लाए? जानवी के सामने क्यों? सोनू, सोनू, जानवी, बंद कर दिया अपना विद्रोह लाप, या मारो खुद को गोली। अध्यक्ष जी, संतुलन मत खोइए। हम है ना, महिलाओं को आप संभालिए, हम बिटिया को संभालते हैं। ये नरक हमारा है और अब हम इसमें आपको सफर नहीं करने देंगे। यू डिजर्व अ बेटर वर्ल्ड। सौ सत्तासी मतलब पढ़ लो,
286 बच्चे मारे गए हैं मोहब्बत के चक्कर में एक साल में, और ये है 287। सारा काउंटिंग करते रहते हो क्या? हाँ, इकलौते बेटे की बॉडी अगर बिग बाजार के थैली में भर के पुलिस आपके पास लाए, दरवाजे पे खड़े होके कहे कि लो कर देना क्रियाकर्म इसका, तो एक बाप के पास सिवाय काउंटिंग के और कोई चारा ही नहीं बचता। मोहब्बत का चक्कर था क्या? मेरा बच्चा रितेश, यूनिवर्सिटी का टॉपर था, गोल्ड मेडलिस्ट था, गोल्ड मेडलिस्ट, ट्रेन के पटरी पे रख करके बांध के चले आए उसको। उधर से अगस्त क्रांति आई और मेरी जिंदगी में क्रांति कर गई। अगस्त क्रांति 1942, अंग्रेजों भारत छोड़ो, हिंदुस्तान में एक और क्रांति होनी चाहिए, मोहब्बत और मोहब्बत करने वाले भारत छोड़ो, मोहब्बत, नो एंट्री।